हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग जानते ही हैं, कल है 7 दिसंबर और कल फुल मून है, तो इसकी एनर्जी 2-3 दिन से पहले से स्टार्ट हो चुकी है। लाइक बहुत ज़्यादा पर्जिंग वाली एनर्जी है। मैं उन डीएफ की बात कर रही हूँ जिनकी अभी भी न्यू अवेकनिंग हुई है 6 मंथ पहले, तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है और उनको ट्रिगर बहुत मिल रहे हैं। अपनी ही ओवर थिंकिंग से भी वो ट्रिगर हो सकती हैं और डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, मतलब चेजिंग वाली एनर्जी अभी वो फील कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये मून होता है वो हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, जब भी ये आता है तो आप ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि जो आपके इमोशन बहुत ज़्यादा अंदर से जो दबी हुई वाली चीज़ें होती वो बाहर आती हैं या आपको ट्रिगर मिलना स्टार्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिलीज़ होने के लिए आपके सामने आती है। तो अगर इस वक्त जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है, आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, आपके चक्रास में पेन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चक्रास में जो भी निगेटिविटी है तो वहाँ से रिलीज़ हो रही है, तो इस वजह से भी पेन हो रहा है। अगर आपके हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है तो हर चीज़ को आप लोग डीएम से मत जोड़ा करो कि मुझे मेरा डीएम याद कर रहा हो। कहीं ना कहीं ये आपके हार्ट चक्रा में जो निगेटिविटी है, हार्ट चक्रा ओपन होता है तब भी हमें पेन होता है, तो आप खुद देखिए कि अभी आप लोगों ने कितना काम किया है, तो आपकी जो अंदर की निगेटिविटी है वो बाहर रिलीज़ हो रही है, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी पर्जिंग वाली फील हो रही है एनर्जी। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग लिख के उसको बंद करिए। अगर कोई भी ओवर थिंकिंग हो रहा है आप लोगों के अंदर, कुछ भी अगर इशू आ रहे हैं, कोई ट्रिगर कर रहा है, तो उसको बैठ के थोड़ा देर के लिए एनालाइज करिए कि ये चीज़ें मेरे साथ अभी क्यों हो रही है, बजाय इसके कि आप रिएक्ट करो। क्योंकि जो चीज़ें फुल मून न्यू मून पे हमारे साथ होती हैं वो रिलीज़ कराने के लिए ही होती है। तो अगर आप इस चीज़ को बहुत जल्दी समझते हैं तो उतनी जल्दी ही आप हील होते जाओगे। तो अपना इनर वर्क करते रहिए। आप लोग कल के दिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से टेलीपैथी में बात कर सकते हैं, बहुत पावरफुल रहती है एनर्जी, तो इसमें आप उनसे टेलीपैथी में बात कर सकते हैं। जो भी आपको कहना है उनसे बात करके उनसे बताइए कि आप लोगों को ये जर्नी क्यों मिली है, क्या पर्पस है आप लोगों का, उसके बाद इसको फिर कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। तो ये थी उन डीएफ की एनर्जी जिनकी अभी भी न्यू अवेकनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा उनको हैवी फील हो रहा है। अब उस डीएफ की बात करते हैं जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है 1-1.5 साल से, उन्होंने अपने ऊपर काम भी किया, बट कहीं ना कहीं उनको अभी भी ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर अपनी ही ओवर थिंकिंग से वो डिसबैलेंस हो रही हैं। तो ये चीज़ अगर हो रही है तो अभी भी आपको काम करना बचा है। किसी भी फील्ड में अगर आपका किसी पे गुस्सा आ रहा है या आपके अंदर कुछ भी जेलसी इशू है, अभी भी किसी चीज़ को ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही है जो आपको लग रहा है कि मैं ऐसे क्यों जल रही हूँ, इस पर क्यों गुस्सा हो रही हूँ, या कोई भी चीज़ हो सकती है आपके सामने अभी इस वक्त आ रही है जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपको भी लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। अभी भी आपको उस फील्ड में काम करना बचा है, इसलिए ये चीज़ें आपके सामने आ रही है ताकि आप इसे रिलीज़ कर सको। और जितनी आप जल्दी करोगे काम उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और अब हम उस डीएफ की बात करते हैं जो खुद को अप्रिशिएट करिए, जिन्होंने इतने अच्छे से अपने ऊपर काम किया है कि अब उन्हें लाइट कोड रिसीव हो रहे हैं। मींस लाइट कोड वो होते हैं जब जो हमारा डीएनए है, जो जंक डीएनए है कई जन्मों से, उसको अपग्रेड कराने के लिए लाइट कोड हमें रिसीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन डीएफ को बहुत ज़्यादा ट्रायंगल शेप हो गया या स्टार शेप हो गया, ऐसे शेप बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, और उनको एक सीरीज़ वाले नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 हो गया, या फिर ABCD हो गया, और या फिर 7, 8, 9 हो गया, मतलब ऐसे पैटर्न के जो लाइन्स होते हैं उन नंबर वो दिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। कोई भी हो सकता है, कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा दिख रही होगी कंटिन्यू उनको, और उनको मेडिटेशन में कुछ भी लाइट टाइप का, सिमरिंग टाइप का दिख रहा होगा, उनके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही होगी, तो उनको लाइट को रिसीव हो रहे होंगे, उनकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही होगी। लाइट बॉडी एक्टिवेट जब होती है मींस जो हमारे जंक डीएनए रहता है, मैं आपको ऐसे नॉर्मली समझाने की कोशिश करती हूँ, जो हमारा डीएनए जंक पड़ा हुआ है
तो जो हमारे सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम रहते हैं, तो हम उसी में पड़े रहते हैं। जो भी लोग अगर हमें बोलते हैं तो हम वही करते हैं, वही मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाइट कोड हमें रिसीव होते हैं, तो हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं अपने डीएनए को, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम उसको अपग्रेड डीएनए ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हो रही है लाइट बॉडी एक्टिवेट कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब ये लाइट बॉडी आपकी एक्टिवेट होगी, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेन नहीं होता। पेन मीन्स ये नहीं आपको फिजिकली पेन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आपको मेंटली हो गया या फिर इमोशनली आपको कोई भी पेन नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके घर में कोई भी बुरी सिचुएशन हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम कोई बना के रखा है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, क्या बोलेगा। आपको जो करना है आप करोगे। मीन्स डीएम की शादी हो रही है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सरेंडर कर चुके होंगे सब कुछ ऊपर वाले पे। तो ऐसी जब सिचुएशन आती तो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। मीन्स आप पूरे लाइट की तरह चमकने लगते हो, मतलब आपकी ऑरा से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब हाँ कुछ तो है, आपकी तरफ लोग आना स्टार्ट कर देंगे आपकी लाइट बॉडी जब एक्टिवेट हो रही है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब बहुत सारा काम तो है, बट बहुत जल्दी जल्दी वो काम हो रहा होगा। मीन्स आपको लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा काम होने के बाद भी इतना फटाफट सब काम हो जाना, और आपको मतलब जैसे एक होता है ना थकापन, वो फील नहीं हो रहा। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाला फील कर रहे होंगे। जो पूरी स्प्रिट टीम है आपके साथ है अभी हर फील्ड में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आप जॉब फील्ड कहीं पर भी हो, आपके सारे काम फटाफट से कंप्लीट हो रहे हैं आपके। अब जैसे जैसे आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होगी, तो वैसे फिर आपका आपके चारों तरफ एक मरकाबा क्रिएट होगा। तो इसमें क्या होता है, जब एक लाइट बॉडी एक्टिवेट हो गई, तो उसके बाद आपको ना किसी भी तरीके का कोई भी निगेटिविटी का अटैक होता है, ना ही आप एक कहीं पर भी आप चले जाओ, मींस कितने भी निगेटिव इंसान के बीचों में बीचों बीच भी अगर आप बैठे रहोगे, तो आपको कोई भी ऐसा फील नहीं होगा। मींस आप जैसे हो वैसे ही रहने वाले, आपकी एनर्जी में 1% भी चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, बट हर डीएफ की लाइफ में ये ज़रूर आता है। बट आपको काम करते रहिए, आप भी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आओगे। तो इन डीएफ जिनकी अभी मैं बात कर रही हूँ, अगर उनको मेडिटेशन में मन कर रहा होगा, तो मेडिटेशन में आप लोग बैठो, जितना आप लोग शांत बैठोगे मेडिटेशन में बैठोगे, उतना आपको ये सब को लाइट कोड रिसीव होंगे। बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। जैसे जैसे ये जो पोर्टल आ रहा है, आप लोग और आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो दूसरों को गाइड करने के लिए। अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि अब आप लोगों का जंग जो डीएनए था, अब वो अपग्रेड हो रहा है। तो लास्ट में मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, तो जैसे जैसे आप लोगों को फील होता है, पर्जिंग होती है, हैवी फील होता है, सेम मुझे भी होता था कि सारे डीएफ के साथ होता है। बट मैं एक चीज़ नोटिस करती थी, जब भी न्यू मून फुल मून आता था, तो बहुत ज़्यादा हैवी रोना, तो मैं जो भी इमोशन थे मैं उनको नोट डाउन करती थी। उसके बाद मैं एक मेडिटेशन करती थी, वो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने खुद उस चीज़ को नोटिस किया है। तो वो मेडिटेशन मैं आप लोग के लिए भी लेके आ रही हूँ कल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। इसका जूम पे मैं लाइव कराऊँगी मेडिटेशन। अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वहाँ पे मुझे अपना नंबर शेयर करें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। जो ये मेडिटेशन है, इसकी एक ख़ास बात है कि अगर आप कहीं कल ट्रैवल कर रहे हो, या फिर तबीयत ठीक नहीं है, लेटे हो, या फिर कहीं पर भी हो आप, तो आप उस सिचुएशन में भी उस मेडिटेशन को कर सकते हो। इसका कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको बैठ के ही मेडिटेशन करना, आप जैसे भी पोजीशन में आपको वैसी मेडिटेशन आप करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपकी इस जर्नी के लिए। मीन्स आपकी जो भी इमोशन हो गया, निगेटिविटी है, इसको रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ये काम करता है। तो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। तो चलते हैं, अब हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।